उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक शख्स की मौत की इस वक्त सूचना मिल रही है। नेरी गांव में यह हादसा हुआ है। दरअसल नेरी गांव से दिखोली आते वक्त में यह हादसा हुआ है, एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें एक शख्स की मौत की इस वक्त सूचना मिल रही है। सड़क हादसा ये हुआ है, नेरी गांव से दिखोली ये गाड़ी आ रही थी, इसी बीच में ये हादसे का शिकार हो गई। हादसे के कारण क्या रहे, कैसे यह हादसा हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इस वक्त लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई इस हादसे में। उत्तरकाशी में यह हादसा हुआ है, नेरी गांव से दिखोली ये गाड़ी आ रही थी लेकिन इसी बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पहाड़ों पर सकरा मार्ग होता है और दिग्वीर हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दिग्वीर, कैसे यह हादसा हुआ और क्या उस वक्त कितने लोग सवार थे जब हादसा हुआ और कितने बजे हादसा हुआ है? जी राजेश, आपको बता दूं ये नेरी गांव धरासू का मामला है। इसमें ये जो व्यक्ति है ये अरविंद बिष्ट है, ये लमगों बिजपुर के रहने वाले थे और ये ससुराल गए थे। ससुराल में शादी समारोह में वो शरीक होने गए थे तो रात को 3 बजे ये लोग उत्तरकाशी दिखोली के लिए वापसी आ रहे थे। तो अकेले थे तो अकेले में जो कि वहाँ पे जो खड़ी पहाड़ी है जिस कारण जो अनियंत्रित होकर जो कार है वो सीधे नदी में जा गिरी और जो कि उसे अस्पताल लाते हुए जो कि अब उसने डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी में जो रात को सफर है जो बिल्कुल कठिन सफर माना जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये मामला बताया जा रहा है तो जो उन्होंने जो शराब कुछ नशीली पदार्थ ले रखे थे तो कहीं ना कहीं जो घटना हुई है तो इस कारण हुई है तो क्योंकि नशा किया हुआ था। जी, आपका दिग्वीर इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ये शख्स नशे में बताया जा रहा है और इस बीच में यह हादसा हो गया है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से।